जितने दिन गणपति जी है उतने दिन मैंने इंडियन ही सोचा था और वही पहन रही हूँ। और संगीता जी के घर पे हूँ। संगीता इज माई वेरी 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 गुड फ्रेंड और हम दोनों का बहुत पुराना रिश्ता है। उनके घर हर साल ये पूजा विद चाट पार्टी होती है। मुझे आज तक वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया वो चाट पार्टी का, लेकिन ये अच्छा लगता है। हम सब फ्रेंड्स जो अपने अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, काम करते रहते हैं, और ये अच्छा टाइम होता है कि सब भगवान जी के बहाने मिल लेते हैं। किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है आने का, सब आ ही जाते हैं। जहाँ तक लड़कियों की बात करते तो मुझे पानीपुरी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। नारा जी को कितना पसंद है और आज चाट पार्टी तो कितना क्या कुछ खाने वाली है यहाँ पर? मैं सारा ही खा लूँगी। सीमा जी की पहले नज़र है उस पे। अच्छा लगता है, चुकी हो एक राउंड मार चुकी है, अच्छा लगता है। ऑफकोर्स गर्ल्स हैं और ये चाट वाला सिस्टम सेकंड राउंड कोई मारना पता जब तक खाना। मेरी तो फेवरेट है सब लड़कियों की होती है। मैं भी आई एम अ कॉमन गर्ल, मेरी फेवरेट है ये। मैं भी डेफिनेटली ट्राई करूंगी हर। तो ये गणेश उत्सव भी चल रहा है, कल अनारा जी का बर्थडे, तो क्या कुछ खास होने वाला है कल घर पर गणपति पप्पा के घर पर? मेरे लिए ये बर्थडे गणपति पप्पा ने बहुत स्पेशल कर दिया। इतना स्पेशल कर दिया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरा बर्थडे नवी था और गणपति जी घर पे विराज हो गए थे और उनके चलते हैं। इसलिए मैंने 10 दिन के गणपति करने डिसाइड कर दिया। हम लोग 10 दिन के गणपति करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे गणपति मेरे बर्थडे के बाद जाए। गणपति जी को कल बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ करण का और बबीता सिंह वर्मा का, जो मेरी माँ है। उन्होंने स्पेशली कल मेरे बर्थडे पे अपनी एनजीओ के थ्रू मेडिकल कैंप रखा है। हम लोग बहुत पार्टीज करते हैं, बहुत डांस मस्ती हम हमेशा करते रहते हैं मेरी किसी की बर्थडे पे। तो फर्स्ट टाइम करण का ही थॉट था कि हम कुछ ऐसा करें कि जैसे एक मैसेज जाए, क्योंकि हम लोग एक्टर्स हैं, हमारी बात लोग ज़्यादा सीरियसली सुनते हैं और सुनते हैं हम लोगों को। कोई आम आदमी बोलेगा तो शायद कोई इतना सुने नहीं, बट कोई एक्टर बोलता है तो शायद सुनते हैं सब। तो ये एक इनिशिएटिव है मेरा और हम सब कल भी आपको वहाँ मिलेंगे और ये हमारी अपील है पूरे हिंदुस्तान से, थोड़ा समय कुछ अच्छे काम में भी हमें स्पेंड करना चाहिए। ये ड्रेस जो है ये एक्चुअली डिजाइनर है, डिजाइनर वेयर है और ये डिजाइन किया है शारू सिंह वर्मा ने। शी इज माय पर्सनल डिजाइनर और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है येलोइश होना चाहिए, थोड़ा ऑरेंज होना चाहिए। तो उन्होंने मेरी उन्होंने फेस्टिव सीजन को मद्देनजर रखते हुए ये मेरे लिए डिजाइन किया। अच्छा, कल आपका जन्मदिन है तो स्पेशल तैयारी करण जी ने कर रखा है। हाँ जी, मैंने पहले बता दिया कि बहुत स्पेशल वाली तैयारी है। कल हम लोग थोड़ा सोशल वर्क कर रहे हैं, पार्टी वार्टी तो डेफिनेटली हम लोग हमेशा करते रहते हैं कभी ना कभी, लेकिन ये जो चीज़ है ये बहुत कम लोग करते हैं और उसमें से वन ऑफ द मैं इस बार कर रही हूँ, क्योंकि करण ने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि थोड़ा समय अच्छे ऐसे कुछ करो कि लोग आपको हमेशा याद रखें। कल अंधेरी के लोखंड वाला में मेडिकल कैंप लग रहा है आपके जन्मदिन पे, तो कुछ अंधेरी के जो लोग उन लोग को कहना चाहेंगे टिकट कराने के लिए? प्लीज आइए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। मेरे तो सारे जितने मेरे फ्रेंड्स हैं हम सबको इनवाइट किया, सब आएंगे। अच्छा है, सब आपके अपना मेडिकल चेकअप भी कराएंगे और हम लोग उसके बाद अलॉन्ग विद द लंच है, उसके बाद लंच भी है। तो ब्लड कैंप नहीं है, मेडिकल कैंप है। तो ये लोगों को मैं पहले बता रही हूँ कि इट्स नॉट अ ब्लड कैंप, इट्स अ मेडिकल कैंप। हम कैमरा लोग ये लाइव रहते हैं, देख लेना। चलो ये लाइव रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे संजय जी, पता नहीं कब लाइव हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे गणेश मैडम, संगीता जी के घर पर आई है और चाट पार्टी भी है, तो कितना कुछ खास है? खास तो ये है कि सबसे पहले गणपति जी, गणपति पप्पा मोरिया हम लोग आए हैं और हर साल आते हैं संगीता के यहाँ और बहुत मज़ा करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। और संगीता को स्पेशली मैं थैंक्स बोलूँगी क्योंकि हम सब जगह जाते हैं, अंजना सीमा है, अंजना है, अनारा है, सब क्या जाते हैं, पर हम क्या है ना अलग अलग टाइमिंग मैच नहीं हो पाता, तो हम सब जगह अलग अलग जाते हैं और एक साथ मिल नहीं पाते। पर संगीता के स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स रहते हैं, देखो मैं तुम्हें 5 दिन है लेकिन मैं डेट बताऊंगी और टाइम बताऊंगी, वो टाइम पर ही आना है, उससे पहले आओगे तो भाई मैं एंट्री नहीं लेने वाली। तो उसके साथ साथ फिर हमें थोड़ा लालच देते हैं, कुछ चाट है, गोलगप्पे हैं, भल्ला है और ये सब है, तो फिर बस उस दिन डाइटिंग वाइटिंग छोड़ के
दो दिन पहले डाइटिंग करना है, कर लेंगे, लेकिन आज हम जम कर खाने वाले हैं सब लोग। पानी पूरी वाले की पानी पूरी खत्म हो जाती है, सीमा कम से कम 500 खा लेती है और हम लोगों के लिए 5-5 बच जाती है, हम उसमें काम चला लेते हैं और आ जाते हैं मार्केट से। लेकिन खूब खाते हैं, खूब जम के फिर डांस भी करते हैं। अब अभी तो फिलहाल बारिश है तो हम टेरिस पर जाकर शायद थोड़ा डांस ना कर पाए, वो यही मदम मदम करेंगे हम, लेकिन फुल धमाल फुल मस्ती होता है। तो गणेश उत्सव पे किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है? बस गणपति जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, उनको आरती करते हैं, उसके बाद प्रसाद खाते हैं और मीठा खा खा के थोड़े मोटे भी हो जाते हैं। किचन में जाके कभी कुछ बनाया गणपति पापा के लिए? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक्चुअली मेरे घर पर तो मैं गणपति नहीं रखती हूँ, लेकिन हाँ दोस्तों क्या जाते हैं, कभी कभी उनकी हेल्प करवाती हूँ, तो कभी हलवा और खीर ये जो मुझे दो आइटम में बनाना आते हैं वही बना देती हूँ। दर्शकों को कहना चाहूँगी जिस तरह से मैं आज के टाइम में देखती हूँ, जो मैं अगर 8 साल पहले देखती हूँ, तो गणपति जी को इतना धूमधाम से, इतना पूरे इंडिया में पॉपुलर नहीं थे, क्योंकि मैं आगरा की रहने वाली हूँ, तो अभी मैं 1 साल पहले आगरा गई थी, तो मैंने देखा वहाँ पे भी ये जो उत्सव है ना ये बहुत धूमधाम से मना रहे थे और वहाँ पे भी वहाँ जो नदी है वहाँ पे विसर्जन किया जा रहा था। तो धीरे 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 बप्पा का जो जादू है ना वो पूरे इंडिया में, जो महाराज का वैसे मेन फंक्शन है लेकिन पूरे इंडिया में जो धूम मच रही है ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि इस तरह से त्यौहार हम लोग सब मना रहे हैं।